प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो गाइस, फाइनली महिंद्रा ने अपनी आन बान और शान स्कॉर्पियो के टीजर को रिलीज कर दिया है और इसकी लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म कर दी है, यानी कि ये 27 जून को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद द डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज लॉन्च हो जाएगी। महिंद्रा ने इसे डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज का स्लोगन दिया है। वैसे ये स्लोगन स्कॉर्पियो पर सूट भी करता है, बिकॉज ये सभी की बाप है, क्योंकि आप इसे एज वाइज, पावर वाइज और पॉपुलरिटी वाइज कैसे भी देख लो, ये सभी चीजों में आगे है। और एसयूवीज का क्रेज भी स्कॉर्पियो के बाद ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई तो लोगों को पता चला कि एसयूवी का सेगमेंट भी होता है, तब फिर जाके लोगों ने इसे खरीदना स्टार्ट किया। स्कॉर्पियो 20 सालों से कंटीन्यूअसली इंडियन मार्केट में टिकी हुई है और ये इसकी 5th जनरेशन लॉन्च होने जा रही है। इसके साथ की ना जाने कितनी गाड़ियां आई और कितनी चली गई, लेकिन स्कॉर्पियो 2002 से अपना जलवा कायम करे हुई है। इसे इतने सालों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी सेल्स दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की ओर। उससे पहले जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, कुछ लोगों को नई स्कॉर्पियो पसंद आई है और कुछ लोगों को नहीं। आज भी बहुत से लोगों को पुरानी वाली स्कॉर्पियो ही पसंद आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए महिंद्रा ने एक खुशखबरी दी है। तो वो खुशखबरी क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, महिंद्रा प्रेजेंट वाली स्कॉर्पियो को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाली। महिंद्रा वाले नए स्कॉर्पियो का साथ साथ पुरानी वाली स्कॉर्पियो को भी कंटिन्यू रखेंगे और इसे स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बेचा जाएगा। भाई, ये काम महिंद्रा ने काफी सही किया, क्योंकि जिन लोगों को पुरानी वाली खरीदनी होगी वो तो पुरानी वाली खरीदेंगे ही, और जिनको नई खरीदनी होगी वो ऑब्वियसली नई की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ी बहुत बातें नई स्कॉर्पियो के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, इस बार की स्कॉर्पियो में सबसे खास चीज देखने को मिलेगी वो है इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज। इस बार ये 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी, क्योंकि इसे कई बार ऑफरोडिंग करते हुए स्पॉट किया जा चुका है और इसकी लद्दाख और स्पीति जैसे भयंकर ट्रेन से भी काफी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले नई स्कॉर्पियो की वीडियो दिखाई थी, जिसमें कि ये पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। महिंद्रा ने इसकी इतनी ज्यादा हाइप बना दी है कि ये XUV700 को भी वेटिंग के मामले में पीछे छोड़ देगी। कई शोरूम वालों ने तो इसकी बुकिंग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया है। और अगर इसमें दूसरी सबसे खास चीज देखने को मिलेगी वो है इसकी सेफ्टी। इस बार महिंद्रा ने इसकी सेफ्टी पर भी काफी ज्यादा ख्याल रखा है। पिछली बार की तरह ये 0 स्टार नहीं होने वाली। इस बार महिंद्रा ने इसे काफी मजबूत 5-स्टार रेटेड गाड़ी बनाया है और इस बार ये 7 एयरबैग से लैस होगी। तो गाइस, फाइनली 27 जून करीब आ चुका है, इसमें केवल 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिन बाद ये कम्प्लीटली लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस, आप भी इसका रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 27 जून को मैं आपको इसका कम्प्लीटली रिव्यू प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।